हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसको लाइक जरूर करते रहिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। भारतीय टीम पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हार गई ऑकलैंड में और हम सब बहुत दुखी थे, 7 विकेट से हार गए। लेकिन आपको बता दें कि जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि टीम इंडिया हैमिल्टन आ चुकी है। ऑकलैंड से हैमिल्टन के बीच में 123 किलोमीटर की दूरी है और वहां पर टीम इंडिया जो है वो अपनी बस के साथ ही ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीम इंडिया आज रेस्ट करने जा रही है, यानी कि आज कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है भारतीय टीम का। सभी प्लेयर काफी अच्छे मूड में नजर आए और दीपक चाहर के खेलने के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे कल के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में, क्योंकि कल डू और डाई वाला मैच है। कल अगर हार गए तो सीरीज हम हार जाएंगे हैमिल्टन में, तो उसकी विकेट के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, वहां के कंडीशन के बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय टीम ऑलरेडी हैमिल्टन पहुंच चुकी है। आज कोई अभ्यास सत्र नहीं है, आज कोई अभ्यास टीम इंडिया नहीं करेगी और सीधे कल मैच खेलने के लिए उतर जाएगी। और सभी के सभी खिलाड़ी अब अवेलेबल हैं, यानी कि इट मे बी पॉसिबल, लग रहा था कि जैसे दीपक चाहर अवेलेबल नहीं थे पिछले मैच में और यह भी खबर आई कि मैच से ठीक पहले उनका फिटनेस टेस्ट हुआ था, तो शायद हो सकता है कि वो फिट नहीं थे इसलिए मैच नहीं खेले। लेकिन अगले मैच में जो कि हैमिल्टन में खेला जाएगा, माना जा रहा है कि वहां पर दीपक चाहर जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज भारतीय टीम अभ्यास नहीं कर रही है, ऑप्शनल अभ्यास सेशन भी नहीं लगाया गया है और कल सीधे मैच खेलने के लिए उतरेगी, क्योंकि एक ही दिन के गैप में आपको 123 किलोमीटर ट्रेवल भी करना है, उसके बाद फिर मैच भी खेलना, तो इसीलिए टीम इंडिया ने आज रेस्ट डे लिया है और कल सीधे मैच खेलने के लिए उतरेगी हैमिल्टन। और बाय द वे हैमिल्टन का मैदान भी बहुत छोटा है, हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस करे और हमारे जो बल्लेबाज है रन बनाए, गेंदबाज डिफेंड करे, ताकि सीरीज में एक एक की बराबरी हम हैमिल्टन में ही कर ले। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें जरूर कॉमेंट कीजिएगा। हर इंफॉर्मेशन क्रिकेट की आपको स्पोर्ट्स टॉक पर मिलती है, तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा।